फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एचजीओटी किट कैसे सेट करना है। इसका प्रोग्रामिंग प्रोसीजर समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। वेलकम टू द परफेक्शन। आज हम देखेंगे कि सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में एचजीओटी किट कैसे सेट करना है। इसके लिए मैंने लिया है परफेक्शन द्वारा बनाया गया एचजीओटी किट और सेमी ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर। टेस्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, सिम्टम्स और नॉर्मल रेंज क्या है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे सेट करना है मशीन पर। यह है लिटरेचर, इसके है जनरल पैरामीटर्स, तो हम फीड करने वाले हैं मशीन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है एंटर, उसके बाद आता है टेस्ट, उसके बाद आता है ओपन चैनल, उसको एंटर करना पड़ेगा, एडिट नेम, देन एडिट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में जाके हमें बेसिक में एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है, ऊपर देख सकते हैं आप, एडिट नेम, हमें बैक स्पेस करके वहाँ पर टेस्ट नेम ऐड करना है। हम करेंगे HGOT। फ्रेंड्स, ये काइनेटिक मोड की टेस्ट है तो यहाँ पर ब्लैंक नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हम नो ब्लैंक रखने वाले हैं। इसका यूनिट्स है यूनिट्स पर लीटर। एस्पिरेशन वॉल्यूम 450, रिएजेंट वॉल्यूम है 500 माइक्रोलीटर। मैं हाफ से करने वाली हूँ तो यहाँ पर मैं 500 करने वाली हूँ, और आपको फुल से करना होगा तो आपको 1000 माइक्रोलीटर करना पड़ेगा। सैम्पल वॉल्यूम मैं 50 माइक्रोलीटर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 500 माइक्रोलीटर लिया है, और 1000 माइक्रोलीटर आप जब करेंगे तो उसका 100 माइक्रोलीटर होगा। इसका फैक्टर है 1746। टेस्ट मोड है काइनेटिक। वेवलेंथ है 340 नैनोमीटर। टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। डिले टाइम है 60 सेकंड। फ्रेंड्स, यहाँ पर इन्होंने दिया है नंबर ऑफ रीडिंग्स 3 और रेड टाइम है 60 सेकंड्स का, तो 6 × 3 180 होता है, तो हम यहाँ पे 180 सेकंड्स करेंगे। लिनियरिटी एरर 5%, ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार है, तो हम इसे सेव करेंगे। उसके बाद डायरेक्टली टेस्ट रन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे हमें रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। हमें चाहिए 1000 माइक्रोलीटर, 100 to 1000 माइक्रोलीटर वेरिएबल पिपेट्स, 5 to 50 माइक्रोलीटर वेरिएबल पिपेट्स, क्लीन एंड ड्राई टिप्स, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब्स, टिश्यू पेपर, डिस्टिल वाटर। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना पड़ेगा एस्पिरेट डिस्टिल वाटर। हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, उसमें लेना है हमें रिएजेंट वन। रिएजेंट वन है बफर एंजाइम, इसे लेना है हमें 400 माइक्रोलीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि टेस्ट करने से पहले रिएजेंट पहले रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए, उसके बाद ही टेस्ट कीजिए, उससे एरर्स कम आते हैं। रिएजेंट लेना है हमें 400 माइक्रोलीटर विदाउट एयर बबल। R2 लेना है 100 माइक्रोलीटर, R2 है सब्स्ट्रेट रिएजेंट। अभी हमें सैंपल ऐड करना है, सैंपल ऐड करना है 50 माइक्रोलीटर। फ्रेंड्स, मैंने लिया है बायरर कंट्रोल लेवल 1, इसे मैं एज अ टेस्ट यूज करने वाली हूँ, तो इसे लेना है हमें 50 माइक्रोलीटर। इसे बाहर से वाइप आउट करना है और इमिजिएटली टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इमिजिएटली रन कीजिए।
इसका इनिशियल ओडी है 1.93 और ग्राफ है डिक्रीजिंग पाथ में। फ्रेंड्स, एजीओटी के नॉर्मल रेंज है मेन की अप टू 37 यूनिट्स पर लीटर की और वुमेन्स की है अप टू 31 यूनिट्स पर लीटर की। और इसकी लिनियरिटी है 500 यूनिट्स पर लीटर की। फ्रेंड्स, हमारा रिजल्ट आया है 44.45 यूनिट्स पर लीटर। मैंने लिया था बायरर कंट्रोल लेवल 1। मेरे पास है कंट्रोल शीट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एजीओटी, इसका टारगेट रेंज है 38.3 और टारगेट है 38.3 और टारगेट रेंज है 25.9 to 50.7, तो हम टारगेट रेंज पर मैच है। किडनी फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट पे क्लिक करें।